जब भारत में जब रॉकेट छोड़ा गया था पहला, तो उसकी तस्वीर आई थी एक बार अखबार में, उसमें क्या था बैलगाड़ी के ऊपर रॉकेट को ले जा रहे हैं। अच्छा, बैलगाड़ी के ऊपर रॉकेट को ले जा रहे हैं। अच्छा, हाँ समझिए, वो किसने बनाया भारत में, तो वो काल्पनिक फोटो होगा, जैसे कोई वास्तविक फोटो, आप समझिए घनत्व कैसे बढ़ता है, वहाँ जो 12 किलोमीटर नीचे जो जमीन होगी उसके ऊपर कितना वजन होगा। अच्छा, समझ गया, हाँ समझ गया ना, वो घनत्व बढ़ता जाएगा, इतना ज्यादा प्रेशर उस पे तो इसलिए डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। लेंस लगा दिया मैं वैज्ञानिक, मैं फिश आई फिश लेंस लगा दिया जिसे गोला दिखाई दे, उसके बाद मैं लोगों को ठगूंगा, झूठ बोलूंगा कि मैंने, मेरे को पृथ्वी को गोल दिखाना था ना, इसलिए मैंने ये लेंस लगा के आपको बेवकूफ बनाया। हमारे शास्त्र में क्या बोला गया, भूमि गोल, गोल गोल पृथ्वी गोल, अब गोल मतलब क्या, अच्छा गोल मतलब क्या, ये भी गोल है, गैर फुटबॉल भी गोल है, तना भी गोल है और थाली भी गोल है। अच्छा, तीनों आइटम गोल है, तो इससे ये निष्कर्ष निकालना कि गोल मतलब गेंद, ये नाक संदर्भ नहीं, गोल गोल नासा की स्थापना क्यों हुई, किस कारण, किस उद्देश्य, किस उद्देश्य से हुई, दो कारण थे। उस समय क्या हुआ था, विश्व युद्ध में अमेरिका और बाकी जो उसके साथ कंट्री थे जीत चुके थे द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, तो जर्मनी को उन्होंने हरा दिया था। उस समय सबसे अधिक अगर कहीं वैज्ञानिक हुआ करते थे तो जर्मनी में हुआ करते थे, आपने अगर सुना होगा जर्मनी की टेक्नोलॉजी बहुत विकसित थी, तो जब हार गए जर्मनी हार गया तो सभी वैज्ञानिकों को उठा के इधर लाया गया और एक नई संस्था का गठन करा गया, उसको नाम बोल दिया नासा, जिसमें सभी देश के लोग मिक्स हो गए, उसमें जो जर्मन साइंटिस्ट थे वो भी और कौन भी जो लोग रहे होंगे मुख्य मुख्य रूप में वो थे, मुख्य रूप में वो थे और बाकी और अमेरिका के कुछ लोग होंगे, इस प्रकार से नासा जो है बना दी गई, स्थापित कर दी गई, उसके तहत मतलब किताबों के अंदर जो जो लिखा हुआ है वही बात, वो बिना से पैरों की बात अगर मैं लिख दूं तो भी मान लो, और अगर बच्चा उसे स्वीकार करने लग जाए तो मैं कल को अगर बिना से पैर की बात नहीं भी बोल दूंगा, तो नई बात निकाल के बोल दूंगा तो उसे भी मानने लग जाएगा अभ्यास के कारण। इसमें मैंने ये सीख पाई कि भाई हर एक सिंबल में फ्री नेशन का निहित है, प्रकार का जो सिंबल है हर हर देश के उसमें मिलना प्रकार लोगों में वो अनिवार्य है, जैसा हाँ, हाँ, कि भाई प्रकार आपको इस्तेमाल करने हाँ, हाँ, आप उसमें ऐड कर लो, लेकिन प्रकार रहेगा, प्रकार रहेगा, ओके, उससे पता लग गया दिन के सभी जो है नासा के, ये पता चल गया कि वो किस समय दिन छोटी होगी, किस समय लंबी होगी, किस समय बड़ी होगी, किस समय दिन रात होगी, कौन कौन से देश में होगी, तो ऐसा मुझे ज्ञात हुआ कि कुछ देशों में रात ही नहीं होती, क्या सही, बिल्कुल सही बात, सही बात है, बहुत सारे देश में रात होती नहीं, ऐसा होता है 6 महीने दिन 6 महीने रात, हाँ ऐसे भी कुछ देश हैं, है ना, सही बात है, सही। तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि ऐसे सवाल होता होगा कि वो 6 महीने दिन और 6 महीने रात, तो फिर तो हमारा जो कहीं भविष्यवाणी है या हमारे जो क्रियाकलाप है वो गुड मॉर्निंग का वहां तो कोई सवाल ही नहीं, गुड नाइट का भी सवाल नहीं है, तो वहां की दिनचर्या और वहां के जो वनस्पति है और वहां की जो चीजें हैं कैसी होती होगी, थोड़ा उससे मैच नहीं आता, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वहाँ पे 6 महीने दिन क्यों हो रही है और 6 महीने रात क्यों हो रही है, तो ठीक है वो मुझे वही बताइए पहले, फिर उसके बाद निकाल लूंगा, उसके बाद वहाँ पे क्या प्रभाव लोग मैनेज कर रहे हैं वो एक अलग प्रश्न होगा, हाँ ठीक है, फिर अपन मून पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा होता है जैसे ये अपना सपाट है ठीक है जो हम बताते हैं, ठीक है, अब इसमें आप समझिए कि जो सूर्य है वो ऐसे ऊपर गोल 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 चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ठीक है, हमारे हमारे ठीक है ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे वो है महाद्वीप जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, इस प्रकार से महाद्वीप है जहाँ हम रहते हैं, अब आप समझिए कि ये जो सूर्य है ये कभी भी जो चक्कर लगाता है कभी जैसे जो उसका सर्कल है, सर्कल है वो बड़ा हो जाता है, अच्छा कभी फिर अब जब ये जो सूर्य है ये दूर की तरफ चला जाता है, ठीक, पीछे सर्कल बड़ा हो जाता है, रोशनी कम मिलती है, तो जो मध्य के जो इलाके हैं यहाँ पे कभी भी जो है दिन नहीं होता, क्योंकि सूर्य उनसे इतना दूर है पहुंच गया कि वहां तक सूर्य की रोशनी पहुंच ही नहीं पहुंच पा रही, बढ़िया, तो 6 महीने वहां पे क्या रहता है, रात रात ही रात रहता है, तो ये गणित तो उसका सही है।
फिर जब सूर्य पास में होता है इससे तो क्या होता है कि भाई उस इलाके में फिर हड़ताल है। तो अपने यहाँ जो गर्मी और जो ठंड है वो बिल्कुल ऐसे ही होता होगा। सूर्य हमसे कितना नजदीक है जी, अब अगर हमारे सिर के ऊपर ही चक्कर लगा रहा है जी तो क्या उस समय जो है गर्मी का समय चल रहा है। तो आप आपका कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूम रहा है, सपाट है, सपाट है, सूर्य घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है, चंद्र घूम रहा है, तारे घूम रहे हैं। हम हमें इस बात का पता नहीं है कि हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ एक दिशा से हम यदि पूरा राउंड करते हैं तो क्या राउंड हो पाएगा? तो इसमें ऐसा है कि जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे अपनी सपाट पृथ्वी है, अभी हमें जो दिशा मान के चलते हैं, दिशा क्या होती है, हम कहते हैं उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, हम बात करते हैं ना, तो जो ग्लोब गेंद का जो आकार बताया गया उसके हिसाब से दिशा होगी, उनके अनुसार पहले बता देता हूँ फिर हमारे अनुसार बता देता हूँ। तो उनके अनुसार ऐसा है जैसे गेंद है, ग्लोब है, तो ग्लोब का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे बोला जाता है नॉर्थ पोल, और नीचे वाला साउथ पोल, ऐसे ऐसे जाएंगे तो ईस्ट वेस्ट है ना, क्या समझ गए। अब हमारे सपाट पृथ्वी के ऊपर क्या है कि साहब, जो सपाट पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो है नॉर्थ पॉइंट, नॉर्थ पोल, समझिए पूरी, इसका केंद्र बिंदु क्या हो गया, नॉर्थ पोल, और इसके विपरीत आप किसी भी दिशा में चले जाओ बाउंड्री की तरफ तो सभी दक्षिण दिशा है। ठीक है, समझ गया। हाँ ठीक है, जबकि उसमें क्या था कि दक्षिण से मैं समझ गया, इसमें दो ही दिशा है बस, साउथ, इसमें एक ही दिशा है, एक ही दिशा दक्षिण, साउथ, नॉर्थ नहीं, नॉर्थ बीच में, ये नॉर्थ एक पॉइंट है, पॉइंट हो गया, अगर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो वो ये नॉर्थ दिशा है, नॉर्थ के विपरीत जो होगी वो साउथ अपने आप हो गई। और जैसे अगर मैं नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ हूँ तो मेरे सीधे हाथ में जो होगा वो हो गया आपका ईस्ट। अच्छा ठीक है, अगर जैसे नॉर्थ में है ईस्ट, इधर से सूरज उगेगा मेरे लिए और इधर हो गया वेस्ट, पूर्व पश्चिम, तो ये गणित है हमारा चक्रवर्ती ऊपर दिशा का। ठीक है, अब आपका मूल प्रश्न क्या था? मैं ये कहा कि यदि मैं एक तरफ से चलना निकलूं ठीक है तो वहां वापस से पहुंचूंगा तो कैसे? अब इसमें आप ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ केंद्र है, अगर आप ईस्ट में जाओगे, पूर्व में जाओगे, किसी पूर्व में चलते चले जाओ, चल जाओ, या तो आप पश्चिम में चलते चले जाओ, तो आप देखो सर्कल बना के आ गए ना, क्योंकि पूर्व पश्चिम क्या है, सर्कल ऐसे गोल गोल गोल। लेकिन अगर आप उत्तर की तरफ जाओगे तो आप केंद्र में पहुंच के फिर आप केंद्र को पार करके कहाँ जाओगे, दक्षिण की तरफ, फिर आप दक्षिण तक चलते चले जाओगे, दक्षिण को क्या है, बाउंड्री, समझिएगा। तो कभी भी जब आप उत्तर या दक्षिण की तरफ जाओगे तो वापस नहीं आ सकते, उत्तर और दक्षिण की तरफ आप हमेशा जो है बाउंड्री से जाके टक्कर जाओगे। वो बाउंड्री कहाँ पर होनी चाहिए उसके बाद उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप ईस्ट, पूर्व और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आप स्थान पर लौट के आ जाएंगे। अब ये प्रश्न आता है कि भाई अगर हम दक्षिण की तरफ जाकर चलते चले आएंगे उत्तर की तरफ, पहले उत्तर पे पहुंचेंगे और फिर दोबारा से दक्षिण की तरफ चलना चाहेंगे, वो समझ में आ गया आपके, तो हम क्या बाउंड्री से टकराते हैं, क्या भूतकाल में ऐसा लोगों ने करा है? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनके ग्लोब के अनुसार तो भाई आप कहीं भी चले जाओ किसी भी दिशा में, आप वापस लौट के आने चाहिए, आने चाहिए, आने चाहिए। लेकिन आज तक की हिस्ट्री में कोई भी व्यक्ति ने उत्तर दिशा में गया हो वापस आ ऐसा हुआ ही नहीं, जबकि पूर्व और पश्चिम में हजारों लाखों लोगों ने ऐसा कर दिया है, उनके आ चुके हैं या तो एरोप्लेन की मदद से या जहाज, जैसे जैसे भी हो, जो साधन से हो, जैसे भी हो, लेकिन उन्होंने ट्राई करा और कर लिए। क्योंकि अगर आप समझिए कि ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर गए वो टेम्परेचर वहाँ वहाँ टकरा गई, अब उनके गणित के अनुसार तो वहाँ टकरा के दूसरे हिस्सा है वहाँ पे फिर कट होने चाहिए, तभी तभी ये खेल होगा, नहीं वो हो नहीं सकते, हो सकता हाँ, तो वो चीज है। इसको आप आस्था से कैसे जोड़ते हैं? अब इसमें एक चीज बता देता हूँ आपको कि हम अब इन्होंने क्या करा है, कानून बना रखा है। क्या कानून? ये है कि भाई एक दक्षिण में आप कितना जा सकते हैं, कितना दक्षिण में जा सकते हैं। अच्छा, एक लिमिट बना है। लिमिट बना रहा है ये कि आप जो है 60 डिग्री दक्षिण से आगे जा ही नहीं सकते।
उसके बाद वो उससे पहुंच से भिन्न होगा। नहीं, मानव तो पहुंच सकता है समुद्र में, जैसे आप जाएंगे तो भाई क्लाइमेट खराब है वो अलग बात है, लेकिन आपने ठान ली भाई मैं तो जाऊंगा, मुझे क्यों रोक रहे हो, मरेगा वापस नहीं आएगा तो फिर कहां से पता चलेगा। नहीं नहीं, जैसे वो समुद्र के गया, अरे भाई टेम्परेचर बहुत कम रहता है, टेम्परेचर कम रहता है, एकदम कम रहता है वो पोल, जो आप साउथ पोल नॉर्थ पोल बोल रहे हैं ना, वहां टेम्परेचर माइनस, इतना माइनस होता है कि आदमी वहां जाएगा नहीं, जी जी वैसे ही मर जाएगा। इसमें एक चीज है, एक तो है कि सरकार हमें वो दे रही है सावधानी कि भाई आपका टेम्परेचर कम है आप मत जाइए, और दूसरी चीज है कि भाई हम अपने रिस्क पे जा रहे हैं हमें जाने दीजिए, हमारे हमारी जिम्मेदारी है, वो वापस नहीं आते। नहीं, इसमें क्या है आप समझ लीजिए कि इन्होंने कानून बना रखा है कि इससे अगर आप जाएंगे आगे तो गैर कानूनी चाहे तो हवाई जहाज के माध्यम से चाहे तो शिप के माध्यम से, ठीक बात, अलाउड नहीं है, तो आप पता नहीं लगा सकते कि दक्षिण में वो बाउंड्री है उसका आप विश्लेषण नहीं करते। वो तो अपने एवरेस्ट में भी है, हिमालय वाला जो पार्ट है एवरेस्ट वाला, उसके ऊपर से जहाज को उड़ना मना है, रॉकेट को जहाज को जो भी यान चलाने वाले हैं उसको प्रतिबंधित है कि वहां वो हिमालय के ऊपर से नहीं जाएगा। बिल्कुल, उसी तरह के यहाँ भी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, इसको आस्था से कैसे जोड़ते हैं, आस्था से कैसे अपना थोड़ा प्रश्न को विस्तार से बताइए। नहीं, आप थोड़ा बोल रहे थे कि आपकी आस्था बढ़ जाएगी ईश्वर में, ईश्वर पे, तो कैसे संभव है, आपने कहा था मैंने नहीं, तो इस मॉडल से कैसे होगा, हाँ वो आप बताइए ना। तो इसका ऐसा है, जैसे इनका जो मॉडल है ये जो गेंद वाला मॉडल है, इसमें आप समझिए इनका मॉडल क्या है पहले, इसमें फिर ईश्वर पे अविश्वास कैसे घटित होता है, ठीक है। तो इनके मॉडल में क्या है, जो गेंद है, गेंद में कोई भी निश्चित दिशा नहीं है, यहाँ मैं खड़ा हूँ उसके ऊपर 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 नीचे कुछ नहीं होता इनके मॉडल के अनुसार, जबकि हमारे सपनी तो सपाट है, ऊपर भी है और नीचे भी है, ये मुख्य डिफरेंस है। अब इसमें आस्था समझिए, ये लोग ऐसा बोलते हैं कि साहब अनंत ब्रह्मांड है और हमारी पृथ्वी छोटी सी उसमें गेंद है और हम बिना दिशा के कहीं भी ऐसे 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 घूम रहे हैं, वो हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, इस प्रकार की इनकी संरचना है, कोई उद्देश्य नहीं है और ये एक सीमित जगह है। आप समझिए इसमें भेद भी समझिए, जैसे अगर मैं गेंद बना दूं तो गेंद का जो क्षेत्रफल है वो सीमित हो गया, तो ऐसा बताते हैं कि गेंद का क्षेत्रफल सीमित है, तो इसका जो व्यास है ये 12,000 किलोमीटर है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं 12,000 किलोमीटर का व्यास माना गया है, तो गेंद होगा तभी व्यास बनेगा, बिना गेंद के व्यास बन नहीं सकता, जब व्यास जब फ्लैट होगा तो व्यास बन नहीं सकता, व्यास मतलब रेडियस बोला जाता है, रेडियस को, हाँ रेडियस यानी व्यास हिंदी में बोलते हैं, तो उसका हाँ इसका भी तो रेडियस हो सकता है सर्कल, ये तो 12,000 है सर्कल, सेंटर से सेंटर से 12,000 की रेडियस है सर्कल, तो रेडियस ऐसा नापा गया है, तो रेडियस गेंद का भी हो सकता है और सरकड़े का भी हो सकता है, हाँ लेकिन अंदर का भी है, वही तो वो तो वही तो विश्लेषण का विषय है। नहीं समझे आप भाई, ये धरती है मान लो, है ना, आपके अनुसार इसको मैं कितना छेद नीचे करूं, कितना अंदर जाते जाऊं, अंदर जाते जाऊं तो पार होगा कि नहीं होगा, आपसे पूछ रहा हूं, ये पार होगा कि नहीं, कभी कभी होना चाहिए, नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता, आप वही रुक गए, मतलब आपका ज्ञान नहीं है। अब इस पे मतलब ये अलग प्रश्न है, इस पे हम चर्चा कर सकते हैं, अच्छा अगर पिछला जो प्रश्न उसको उत्तर समाप्त हो गया हो आपके नहीं, इससे जुड़ा हुआ है कि हमने यहाँ से यात्रा शुरू की, खुदाई शुरू की, ये नीचे जाता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक उसके नीचे क्या है, हाँ तो उसी को अनुमान लगाया गया कि ये 12,000 है, ये इधर भी और इधर भी और इधर भी और इधर भी, ये 12,000 है ऐसा अनुमान लगाया गया। जी जी, अब इस संबंध में मेरा अनुमान नहीं है जी, अब इस संबंध में क्या है, अब इस संबंध में आप ये समझिए कि पहला जो प्रश्न है कि जो अनुमान है वो किस आधार पे है, वो उसका कोई वो नहीं है प्रमाण, प्रमाण कुछ प्रमाणिक नहीं है। अब हम इसे थोड़ा व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं, सीधा व्यवहारिक दृष्टि ऐसी है, जैसे हम खड़े हुए जमीन पे देख सकते हैं, ठीक है, जमीन पे हम खड़े हुए हैं, अब हमें इसकी गहराई पता करनी है, तो साहब हमने खोदना चालू करा, अब हम तो खोद नहीं सकते फावड़े से इतना गहरा, नहीं नहीं मशीन से, फावड़े से नहीं, मशीन से, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कभी भविष्य किसी ने साल में खोदा है, कितना गहरा गड्ढा खोदा है, नहीं खोद पाया, तो इसलिए ये अनुमान गलत हो साबित हो रहा है। हाँ, तो इसमें ऐसा पाया गया कि रशिया में गड्ढा खोदा गया, अच्छा
जो विश्व का सबसे गहरा गड्ढा है उसकी गहराई कितनी है? 12 किलोमीटर मात्र, मात्र 12 किलोमीटर वो खोद पाए, बोल रहे हैं उतना ही खोद पाए, उतना ही खोद पाए, उससे ज्यादा वो खोद चुके हैं यार। नहीं नहीं, 12 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा नहीं, नीचे की है नहीं, 12 किलोमीटर ज्यादा थोड़ी होता है। नहीं नहीं नहीं, आप समझिए, आप समझिए कि 12 किलोमीटर कई हजारों चीज को खोद जा रहे मंगल पे पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर, आप समझिए, आप समझिए कितना अजीब चीज है। तो भी थे समुद्र के अंदर फोटो डाले फिर निकाल लिए, समुद्र का तल ही कई हजार किलोमीटर तक, कई 500 किलोमीटर वाले भी तक खोद दिए। नहीं ऐसा समुद्र का हाइट पता करिए, इतना नहीं मैं जानता हूं, 500 किलोमीटर मतलब समझिए बहुत बड़ी वो हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि जैसे क्यों नहीं खोद पाया, ऐसा क्या देखा गया, ऐसा हुआ कि हम नीचे से खोदते जाते हैं तो जमीन कठोर होती चली जाती है, अच्छा हार्डनेस हार्ड हो जाती है, डेंसिटी घनत्व तो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो अब क्यों बढ़ता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 12 किलोमीटर तक इतना ज्यादा कठोर हो चुकी थी जमीन की हमारी सबसे जो मजबूत ड्रिल मशीन है वो भी फेल हो गई, सब फेल, ओके सारी फेल हो गई, सब ब्लेड इतनी बड़ी से बेबस हो गए। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप समझिए घनत्व कैसे बढ़ता है, हाँ जो 12 किलोमीटर नीचे जो जमीन होगी उसके ऊपर कितना वजन होगा, अच्छा समझ गया ना, वो घनत्व बढ़ता है, इतना ज्यादा प्रेशर उस पे, तो इसलिए डेंसिटी बढ़ती चली जाती है गहराई के साथ। अपन फिर से पुराने प्रश्न में लौटते हैं, पूरा करते हैं। हाँ तो इसे मैं थोड़ा कोई पूरा कर देता हूँ, एक सेंटेंस बस हो गया, मैं जितना जानना था मुझे, क्योंकि मेरे दूसरी चीज छूट जाएंगे, टाइम हो जाएगा, बोले फिर आप चल दो, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, तो अपने मैं अपने जिज्ञासा शांति करूं, मेरे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अब जितने लोगों ने पृथ्वी के ऊपर उड़े, आपको मैं हूँ, जितने लोगों ने ऊपर गए कि नहीं हम दूर से देखेंगे आपको, ऐसा करके दूरी बढ़ाते गए देखते गए देखते गए, जैसे अपना भाई जान में देखते हैं, ऐसे देखते देखते जब ज्यादा ऊपर गए तो उसको आजू बाजू से करके देखे, जैसे अपन कैमरा करते हैं, इधर से देखो उधर से देखो, फिर उन्होंने फोटो ली, ठीक है, वो फोटो में उनको पृथ्वी गोल दिखा, क्यों एक है ना, तो जितना जैसे चंद्रमा में पहुंच गए मंगल में पहुंच गए, हम पृथ्वी का फोटो लेते जा रहे हैं लगातार, तो वो देखेंगे वो पृथ्वी गोल है, गोल नजर आया तो नहीं फोटो है भाई, हम नहीं कह रहे हैं प्रमाण कह रहे हैं, प्रमाणिक है फोटोज है, उसी से तो हमने सीखा कि चंद्रमा पे जाने के बाद ये चीजें ऐसी है, प्रमाण तो चाहिए ना, आज हम प्रमाण में ही बोल सकते हैं कि मंगल में क्या क्या है, आप और मैं नहीं बोल सकते, आप इसका उत्तर रुको ना, हाँ अब ये चंद्रमा में क्या है ये भी फोटो और जो चीजें वहां से लेके आए वो उनसे निर्भर करता है, ये प्रमाणिक हो गया। अब ये तो हो गया आधुनिक काल की बात, अब हम प्राचीन काल की बात करते हैं, तो प्राचीन काल के जितने भी कथा लिखी गई है उसमें भी पृथ्वी को गोल बताया गया है, नमूना पेश है। हनुमान जी की कथा सुनते हैं तो भी वो पृथ्वी को गोल उसमें जिक्र में आता है कि वो पृथ्वी गोल था, और जब हम कृष्ण की लीला पढ़ते हैं तो उसमें भी पृथ्वी गोल का जिक्र आता है धरती का। तो ये जो पुराने ग्रंथ है हमारे महात्मा जो कई वर्षों 3000-2000 साल पहले लिखे उन्होंने भी गोल कहा, और आखिरी में जब ये वैज्ञानिक लोग जो दूर से फोटो खींचे इन्होंने गोल बोलते हैं। आप इसका जवाब दीजिए। तो आपका जो प्रश्न का पहला भाग है वो है कि कैमरा जब हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, तब आप समझिए कि दो प्रकार की वहां तस्वीर आती है, अच्छा ओके, एक तस्वीर आती है जिसमें सपाट दिख रही है, एक तस्वीर आ रही है जिसमें गोल दिख रही है, अच्छा फिर चार किसका होगा, गोल का, गोल वाले का। आप समझिए गोल कैसे आती है, एक तकनीक होती है जैसे हमारे मोबाइल में आपके पास एक मोबाइल होता है, गोल बनाया जा सकता है, नहीं नहीं आप समझिए कि आपका मोबाइल में दो प्रकार के कैमरे होते हैं, ठीक बात, एक नॉर्मल कैमरा, एक वाइड एंगल, वाइड एंगल कैमरा, उसमें वाइड एंगल में ज्यादा एरिया कवर हो जाता है, ठीक, और उसी को अगर हम ज्यादा वाइड कर देते हैं ज्यादा जगह का कवर करने के लिए तो गोल प्रकार का नजर आ जाएगा, दिखता वैसी है, ठीक बात है, हम तो सिर्फ छोटे एरिया पे लेते हैं ना, उसमें तो हमारा वो भी चीज आता है जो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, आप जैसा बोल रहे हो ना, हम सिर्फ पृथ्वी को ऐसा लेके नहीं लेते ना, हम तो बाहर का भी आवरण लेते हैं, तो बाहर का मतलब जैसे पृथ्वी के बगल बगल में खाली स्पेस है वो भी हमको दिखता है, तो हम जब बड़ा लार्ज नंबर पे लेते हैं तो वो भी हमको दिखता है, बट पृथ्वी ऐसे दिखता है, मतलब नीचे वाला पार्ट हल्का सा ऐसे गोलाई में, बगल वाला पार्ट ऐसे गोलाई में, इधर गोलाई में, ऊपर गोलाई में, मतलब किनारे किनारे से हमको दिखता है, मतलब पीछे का भाग तो हमको नहीं दिखता, आप जब सामने से देख रहे हो तो हमको
आप जैसे बोल रहे हो वही बोल रहे कि फ्लैट ऐसे करके, क्योंकि हम इधर चले गए तो चाहे इधर चले गए तो कहीं से भी जाएंगे तो दिखने का एंगल तो जैसे आपको मैं सामने से ही देखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे तो मैं देख ही नहीं सकता जो अंदर भाग, लेकिन हल्का सा जो आपका शेप है ऐसे करके जो दिख रहा है आपके ऊपर सिर में गोलाई टाइप का, नीचे पैर है ऐसे करके, वो तो दिख रहा है ना कहीं ना कहीं, वो अलग। तो आप जो कह रहे हैं इसमें आप समझिए ना, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था या जैसे आप गाड़ी के बगल में जो मिरर लगा रहे हैं, वो समझ गया ना, वो तो वो मिरर का मिरर का रहता है, वो मिरर का रहता है, लेकिन उसी चीज को जैसे इसमें तो नॉर्मल कैमरा में खींचेंगे तो फ्लैट दिखेगा। और कैमरा के आगे आ नहीं पाएगा कैमरा के आगे एक विशेष प्रकार का लेंस लगा देंगे जिसे फिश आई लेंस बोला जाता है, ठीक है, तब जो फुटेज आएगी वो मुड़ जाएगी और ज्यादा एरिया कवर करेगी, ठीक है, वो भी मान लिया। तो फुटेज कैसी आ रही है उस बात पे निर्भर करता है कि उसके आगे लेंस कौन सा लगा है। अच्छा, मैं लेंस लगा दिया, मैं वैज्ञानिक, मैं फिश आई फिश लेंस लगा दिया जिसे गोला दिखाई दे, उसके बाद मैं लोगों को ठगूंगा, झूठ बोलूंगा कि मैंने मेरे को पृथ्वी को गोल दिखाना था ना, इसलिए मैंने ये लेंस लगा के आपको बेवकूफ बनाया, है ना, मैंने साजिश करी, जी जी, है ना। तो जब मैंने ऐसा साजिश किया रूस वाला, तो ऐसा नहीं कि वहां पर उसे रूस वाला गया था, चीन वाला भी गया था, जापान वाला भी गया, अमेरिका वाला भी आया, तो सारे के सारे मिली भगत है। जी जी जी, जी आप इस पे चर्चा करते हैं, पूरे सारे देश के वैज्ञानिक आपस में मिलके बोले कि नहीं ये राज को मत खोलो, जी राज भाई भाई बड़ा दिक्कत हो जाएगा जी मानव समाज के लिए। अब इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब आपका जो प्रश्न का जो दूसरा वाला भाग था पहले उसकी बात कर लेते हैं, तो हमारे शास्त्रों में क्या बोला गया, भू गोल, गोल भू पृथ्वी गोल, अब गोल मतलब क्या, अच्छा गोल मतलब ये बात क्या, ये भी गोल है, गेंद फुटबॉल भी गोल है, कणा भी गोल है और थाली भी गोल है, अच्छा तीनों आइटम गोल है, ठीक बात है, ठीक बात। तो उससे ये निष्कर्ष निकालना कि गोल मतलब गेंद, ये तर्कसंगत नहीं, गोल गोल है, कई चीजें, तो ये आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, ठीक है, ठीक है। अब आपका जो नया प्रश्न है कि भाई ये क्या सभी देशों की स्पेस एजेंसियां कैसे कर सकती हैं, ठीक है, तो इस पे आपको थोड़ा सा विस्तार से समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो स्पेस एजेंसी थी निर्माण हुआ तो उसका नाम था नासा अमेरिका की, ठीक, उसके बाद ही सभी स्पेस एजेंसियां आई हैं, ठीक बात, इस पे मैं थोड़ा सा अधिक समय दूंगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नासा का स्थापना क्यों करी गई, अच्छा नासा की स्थापना क्यों हुई, किस कारण, किस उद्देश्य से हुई, दो कारण थे। उस समय क्या हुआ था, विश्व युद्ध में अमेरिका और बाकी जो उसके साथ कंट्री थे जीत चुके थे द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, तो जर्मनी को उन्होंने हरा दिया था। उस समय सबसे अधिक अगर कहीं वैज्ञानिक हुआ करते थे तो जर्मनी में हुआ करते थे, आपने अगर सुना होगा जर्मनी की टेक्नोलॉजी बहुत विकसित थी, तो जब हार गए जर्मनी हार गया तो सभी वैज्ञानिकों को उठा के इधर लाया गया और एक नई संस्था का गठन करा गया, उसको नाम बोल दिया नासा, जिसमें सभी देश के लोग मिक्स हो गए, उसमें जो जर्मन साइंटिस्ट थे वो भी और कौन भी जो लोग रहे होंगे मुख्य रूप में वो थे और बाकी और अमेरिका के कुछ लोग होंगे, इस प्रकार से नासा जो है बना दी गई, स्थापित कर दी गई। अब आप समझिए नासा NASA एक अमेरिका में खुफिया एजेंसी जो है CIA, उसका ऑफिसर का एक बयान है, वो अंदर की सारी चीजें जानता है, उसने खुलेआम बयान दिया, मैं आपको सुना भी सकता हूँ, ठीक, वो बयान को, बयान क्या है कि भाई उसने भी ये बात एक्सेप्ट करी कि हाँ जब ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस प्रकार के नासा का गठन करा गया और वो लोग आपस में नासा को क्या बोलते हैं, नॉट अ स्पेस एजेंसी, मतलब आपस में नासा को बोलते नॉट अ स्पेस एजेंसी, ठीक है। अब उसका गठन इसलिए हुआ था, दो कारण थे, पहला कारण ये था कि उस समय, अब इसके संभावित कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि कोल्ड वॉर का आपने नाम सुना होगा, शीत युद्ध का, तो उसमें ये यहाँ से गप फेंक रहे हैं कि हमने यहाँ छोड़ दिया, यहाँ रॉकेट छोड़ दिए, फिर गप की सीमा, और वो बोल रहा रूस कि हमने इतने रॉकेट यहाँ छोड़ दिए, ये तो गप की सीमा कहाँ तक चली गई, कि भैया हमने चंद्र पे पहुंचा दिया, अब बताओ, तो रूस ने थोड़े दिन बाद बोला हमने पहुंचा दिया, बाकायदा फुटेज शूट करेंगे सप्ताह में, ठीक है, उसका मकसद ये था, लेकिन वो चीज चलती चली गई,
गठन हो गया। अब आप समझिए कि उनको जब गठन हो चुका था नासा का, उनको ये चीज समझ में आई कि इसे अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं, इसको रोके ना, बंद ना करें, तो उसमें हजारों फायदे हैं। एक फायदा नहीं है, हजारों फायदे, फायदे ही फायदे। इसमें फायदे नासा को बढ़ाए रखने में, चालू रखने में, चालू रखने में किसको फायदे, जिन्होंने नासा का गठन किया। अच्छा, उनको फायदे, उनको फायदे ही फायदे हैं। उस पर भी बता सकता हूँ क्या क्या फायदे, कुछ फायदे अगर आपको गिनाए जाए। पहला फायदा, अब एक नासा नाम की बन चुकी ऑर्गेनाइजेशन, अब सरकार उसके लिए बजट अलॉट कर सकती है, देगी, फंड दे सकती है, देगी, देगी ही, 500 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, जो भी वो बनाएगा नियम उसमें देगी, उसमें उतना फंड उस पे जाएगा। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि ये बहुत पुराना षड्यंत्र, दूसरा जो बता रहा हूँ ये है हमारा एजुकेशन का षड्यंत्र। भारतीय जो एजुकेशन व्यवस्था है या विश्व की जितनी भी एजुकेशन व्यवस्था है, वो रॉथशाइल्ड नाम की रॉकफेलर ने बनाई है। रॉकफेलर एक परिवार है, 13 मुख्य परिवारों में से उन्होंने निर्माण किया है। ठीक है, उस एजुकेशन पॉलिसी, जिसे मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी आपको सुना होगा, तो उसके तहत क्या है कि हमें कुछ भी काम का आइटम नहीं पढ़ना। हमें कैसा आइटम पढ़ाना है, या तो जो काल्पनिक हो जिससे टेक्नोलॉजी का निर्माण नहीं किया जा सके, उसका भी मैं आपको दूंगा विस्तार से बताऊंगा, तो उससे टेक्नोलॉजी नहीं बनाई जा सकती। तो इस प्रकार की चीजें हमें बतानी है और लोगों को कंफ्यूज करना है, बच्चों को भ्रमित करना है, ताकि हम कुछ भी बोलते हैं उसको मानने लग जाए, दर्द ना करे। मतलब किताबों के अंदर जो जो लिखा हुआ है वही वो बिना सिर पैरों की बात अगर मैं लिख दूं तो भी मानू, और अगर बच्चा उसे स्वीकार करने लग जाए तो मैं कल को अगर बिना सिर पैर की बात नई भी बोल दूंगा, तो नई बात निकाल के बोल दूंगा, तो उसे भी मानने लग जाएगा अभ्यास के कारण। ठीक है, तो इसका दूसरा वो हो गया। अब तीसरी चीज आप समझिए कि अब इन्होंने बोला कि साहब बाकी देश कैसे पीछे रह जाए, बाकी देश कैसे पीछे रह जाए, तुमने पहुंचा दिया। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी मन मर्जी से कर दिया, ये बोलते भी है। मान के चलिए दो देश आपस में दुश्मन भी है, जैसे आप मान के चलिए चाइना दुश्मन है अमेरिका का, या रशिया दुश्मन है अमेरिका का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ चीजें होती है जिसमें वो सहमति रख लेते हैं। जैसे रशिया क्या बोलेगा कि भाई अगर मेरे पे आक्रमण का मुझे खतरा नजर आएगा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम बोल रहे हो कि अच्छा दो चार ये छोड़ने, ड्रामा करना है, नाटक करना है, कोई समस्या नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत बर्दाश्त, थोड़ा बहुत ड्रामे में भागीदार हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, नाटक कर सकता हूँ। तो ये चीज है। अब इसमें मैंने एक चीज और नोटिस करी गहराई से जब मैंने अध्ययन किया, नोटिस में क्या आया साहब कि मैंने सबके लोगो देखे, लोगो जैसे नासा का लोगो जो होता है, हर देश का लोगो, स्पेस एजेंसियों का लोगो, स्पेस एजेंसी, नासा की स्पेस एजेंसी का क्या लोगो है, और आपकी इंडिया की स्पेस एजेंसी का क्या लोगो है, इसरो का क्या है, चाइना की स्पेस एजेंसी का क्या लोगो है। ठीक है, मैं सबको देखा ध्यान से, देख लिया। मुझे एक चीज पहले ही संज्ञान में थी, क्योंकि मैं इस पर काफी वर्षों से अध्ययन कर रहा हूँ, तो मुझे संज्ञान में आ चुका था कि कुछ ग्रुप होते हैं जो कि विश्व को संचालित करते हैं और वो पर्दे के पीछे रहते हैं, वो सामने नहीं आते हैं, कुछ आगे भी रहते हैं लेकिन वो आगे वाले मुख्य रूप से उतना नहीं है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये आगे रहता है, इसमें जितने भी विश्व के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो जाके मीटिंग करते हैं, कैसे बताना अच्छी अच्छी बात के नाम पर, बोली बोली जैसे वो बता रहे थे अजय जी कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सब जितना भी गंगा बचाओ और ये सब, सुनने में बहुत अच्छा है क्योंकि उनकी बैकग्राउंड की कहानी क्या, उससे कैसे हानि हो रही है वो आपको पता ही है। तो इस प्रकार के नए नए नियम पॉलिसी बनाते हैं जो सुनने में अच्छी लेकिन बैकग्राउंड में घाटा करते हैं। तो ये तो संस्था है जो हमें दिख सकती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कुछ संस्था ऐसी है जो गुप्त संस्था है, उसमें और भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं लेकिन वो सामने नहीं आते, प्लानिंग कैसे करते हैं, पढ़ने के पीछे रहते हैं। अध्ययन में क्या पता लगा कि इनमें से जो सबसे मुख्य संस्था है उसको बोला जाता है फ्री मेशन, जो संचालित करती है पूरे विश्व को और सभी अलग अलग गुप्त संस्थाओं को, बाकी फ्री मेशन, और ये बहुत पुरानी संस्था है फ्री मेशन। फ्री मेशन का जो सिंबल होता है वो आप समझिए क्या होता है, लोगो होता है वो होता है त्रिकाल, देखा है आपने त्रिकाल, तो और आपने जब ज्योमेट्री बॉक्स हम लाते हैं तो उसमें एक इस प्रकार का
स्केल होता है ऐसा, हाँ, हो, उसे बोलते हैं सेट स्क्वायर, और एक होता है प्रकाल, तो उनका जो लोगो है फ्री मिशन वालों को, वो कैसा है, प्रकाल ऐसा रखा हुआ है और नीचे से वो लगा रखा है अपना ये सेट स्क्वायर, तो ये उनका लोगो है। ठीक है, अब इसके बारे में मैंने और अध्ययन किया कि जो फ्री मिशन है किस प्रकार से अपने कैसे काम करते हैं, तो उसमें पाया गया कि भाई ये अपने आप को पहचानेंगे कैसे, तो इनके सीक्रेट कुछ चीजें होती है कि विशेष प्रकार से हाथ मिलाएंगे, वो उन्हें पता होगा आपस में, हाँ, वो कोड वर्ड, कोड वर्ड्स हैं, और इस प्रकार की चीजें हैं, विशेष को सिंबल होंगे, ऐसा सिंबल होगा, ऐसा जो जो भी हो, बात करते समय इस प्रकार से कोड वर्ड में दर्शाने के लिए। अच्छा, तो इसमें मैंने ये सीख पाई कि भाई हर एक सिंबल में फ्री मिशन का निहित है, अच्छा, प्रकार का जो सिंबल है, कंपल्सरी है वो, हर देश के उसमें मिल रहा है प्रकार, हाँ, लोगों में, हाँ, वो अनिवार्य है, जैसा हो गया, हाँ, हाँ, कि भाई प्रकार आपको इस्तेमाल करने, हाँ, उसके बाद आप उसमें ऐड कर लो, हाँ, लेकिन प्रकार रहेगा, प्रकार रहेगा, ओके, तो उससे पता लग गया लिंक के सभी जो है नासा के ही अंडे, हाँ, एक ही थैली की चट्टी बढ़ती, एक ही थैली की चट्टी बढ़ती है, इसके आप थोड़ा और विस्तार से बताता हूँ, आप मतलब थोड़े खुले दिमाग के, एक चीज आपको बताने वाला हूँ मैं, बिना पूर्वाग्रह के, आप इसकी जो सुनिए, मैं ऐसा सोचा करता था कि जब भारत में जब रॉकेट छोड़ा गया था पहला, तो उसकी तस्वीर आई थी एक बार अखबार में, उसमें क्या आता था, बैलगाड़ी के ऊपर रॉकेट को ले जा रहे, अच्छा, बैलगाड़ी के ऊपर रॉकेट को ले जा रहे, अच्छा, हाँ, समझिए, वो किसने बनाया भारत में, तो वो काल्पनिक फोटो होगा, जैसे कोई वास्तविक फोटो, वो कैमरे से लेकर के ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, अच्छा, ठीक है, ये तो था कार्टून बना दिया, समझ गया, वो वास्तविक फोटो है, आप देख सकते हैं नेट में बकायदा, अभी भी बैलगाड़ी पे लेके रॉकेट को ले जाया जा रहा है छोड़ने के लिए, ठीक, रॉकेट कितनी महान टेक्नोलॉजी, उसके नीचे हकीकत, समझिए, तो ये ट्रक भी आप पे नहीं बना ले जाने के लिए, आप कहां रॉकेट छोड़ने जा रहे हैं, बैलगाड़ी से कैसे जा सकते हैं इतना वजन वाला चीज वाले, वो तो खैर ले जा रहे हैं, नहीं, अब इसका मतलब अंदर तक खोखला है क्या करने थे वो, नहीं भाई, बैलगाड़ी का स्पेस कितना है, उधर तो रॉकेट तो होगा ही नहीं, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ है घपला इसमें, घपला है या तो फिर वो फोटो गलत है, फोटो सही है, फोटो अभी मोबाइल में सर्च कर सकते हैं, ये बात नहीं समझ रहा, राकेश रॉकेट का व्यास त्रिज्या कितना है वो तो समझ ही नहीं सकता वो, लेकिन आप फिर बोलोगे कि जब बैलगाड़ी में आ गया तो फिर रॉकेट, और छोटा साइज का था उस समय, उस समय छोटे साइज का था रॉकेट, छोटे साइज का बनता ही नहीं उस समय था ना पहला, नहीं फिर नहीं बन सकता उसमें आदमी, पर वो फिर वो मशीनें कैसे लगी, अब जैसे मेरे हिसाब से मैं आपको दिखा दूंगा, फोटो हो सकती है, फोटो को तो बनाया जाता है, फोटो नहीं नहीं जैसे आप समझिए, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा उसके बाद आप निर्धारित करना, वही फोटो देख के पता लग जाता है कि इसमें नकली है असली है, सही है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे विकसित किया तो ये फायदा भी मिला नुकसान भी हो, फायदा ये मिला कि अब आपको लाइव देखने को चीज मिल जाता है कि कोई उसको कैसे छोड़ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या क्या चीज को स्टार्ट किया गया, पूरा काउंट डाउन मीटर और लाइव चित्रण आपको देखने को पूरे वर्ल्ड वाइड मिल जाता है ना, तो छोटे से छोटा भी आज तक बना होगा तो ही इतना बड़ा होगा कि बैलगाड़ी में नहीं जा सकते, अब तर्क में जाए तो हम एक फोटो को कैसे मान सकते हैं, लेकिन अभी जो हम देखते हैं मान लो 25 साल बाद या 30 साल बाद देखते हैं, मान लो फोटो 25-30 साल पहले का होगा, 1975 के पहले का नहीं हो सकता, जी जी सर, उसी के आसपास का, तो वो उस समय भी यदि मान लो हमारे टेक्नोलॉजी ये कहती है कि पहले तो ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें होती थी, अब छोटी होने लगी है ना, चाहे वो मोबाइल फोन हो या आपका टीवी हो या आपका कोई भी चीज हो, पहले ज्यादा बड़ा बड़ा होता था, अभी छोटा होता है, हाँ, रेलवे का इंजन भी छोटी आने लगी है और काम उससे ज्यादा करने वाली है, बैटरी भी उसी, लेकिन जो चीज काम कर रही है, हाँ, वास्तविकता में उसी के साथ ऐसा होगा ना जी, जो बड़े कंप्यूटर थे वास्तविकता में काम करते थे, हाँ, छोटे भी करते हैं, छोटे कर रहे हैं, लेकिन वो जो रॉकेट है वो काम करे जाएंगे ना, उस पर संदेह में अभी आपको व्यक्त कर रहा हूँ ना, हम तो मान के चलने के काम कर रहा है तो वो बड़ा पहले होगा फिर छोटा सा कर रहा है, नहीं वो एक जो फोटो वाला है ना वो एक डेमो पीस बनाए होंगे छोटा सा दिखाने वाला कि चलो हम भारत वाले जो है हमारा बैलगाड़ी उस समय चीन था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उनका एक सिंबल था बैल जोड़ी
कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था, पंजा 1984 में पंजा है ना, पंजा जो है 1983। चलिए मैं आपको इसका प्रमाण दिखा सकता हूँ। हाँ, मैं आपको उनकी वेबसाइट पे भी दिखा सकता हूँ अगर उपलब्ध होगा तो, मुझे पता नहीं उपलब्ध है या नहीं। हाँ, तो मैं आपको इसके ऊपर, तो एक नकली बना करके, डेमो बना करके उसमें बैलगाड़ी में बैठाया गया, बैलगाड़ी चुनाव चिन्ह था। नहीं नहीं, आप ऐसा समझ रहे हैं कि ऐसा वो एक प्रचार के माध्यम से, हाँ, डेमो दिखाने के लिए। लेकिन अभी ओलंपियाड का अपन कोई नकली नहीं बना देते हैं, लेकिन वो लोग स्वीकार कर रहे हैं, वो लोग स्वीकार कर रहे हैं चीज। अच्छा, कि हम बैलगाड़ी से ले जा रहे हैं, वो उनमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा अच्छा, वो मान रहे हैं इस बात को। हाँ, ऐसा नहीं है किसी और ने झूठ बना दिया। नहीं, उसने मान लिया, वो खुद स्वीकार कर रहा है इसरो कि हाँ, पहला रॉकेट बैलगाड़ी से ले गए थे और छोड़ा हमने, ये स्वीकार कर रहा है इसरो। ठीक है, गुब्बारा जैसे छोटा सा गुब्बारा छोड़ दिया, बड़ा गुब्बारा बनाया, टेस्टिंग था वो। तो अब अगला प्रश्न, कहने का मतलब ये पूरा निष्कर्ष में ये समझ में आ रहा है कि आपका कहना ये है तो उसको मैं मान लेता हूँ, चपटा है, लेकिन सारे वैज्ञानिक एक हो गए आपके लिए। वो मैंने आपको, आपको पूरा प्रश्न था कि सारी देशों की अब वैज्ञानिक कैसे डील कर रहे हैं, उस पर एक नया प्रश्न है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। जी, आपके सभी प्रश्नों में चर्चा की जा सकती है। अभी तो समय हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम इसे विराम करेंगे, विराम बाद में देखते हैं। पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।